नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ट्रेन से जुड़े हुए एक नए अपडेट के बारे में। देश में रेलवे को एक लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। रेलवे से लाखों लोग यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते और जाते हैं। आपको बता दें कि रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाओं पर काम करती है, जिससे कि यात्रियों को पूरा लाभ मिलता रहे, जिससे कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। बता दें कि रेलवे अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इन्हीं में से एक नियम है, ट्रेन में छूटे हुए सामान को लेकर ट्रेन से ट्रेवल करते वक्त यात्री अपने साथ लगेज लेकर चलते हैं, लेकिन कई बार यात्री जल्दी में वह लगेज ट्रेन में ही छोड़ देते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि रेलवे इन सामान का क्या करता है? अगर आपका सामान ट्रेन में छूट जाए तो क्या करें? वापस प्राप्त किया जा सकता है या फिर नहीं? आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। जब ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है तो सबसे पहले ट्रेन को अच्छे से चेक किया जाता है। बता दें कि इन ट्रेनों की चेकिंग कर्मचारियों की तरफ से की जाती है, जो कि रेलवे के होते हैं। मान लिया जाए कि इस ट्रेन में लगेज जैसे कि बैग, पर्स, मोबाइल आदि अगर छूट जाता है तो उसे स्टेशन मास्टर के पास जमा करवा दिया जाता है। इसके बाद उन सामान का रिकॉर्ड बनता है और उसका रसीद भी बनाया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर सामान का मिलान किया जा सके। इन सभी चीज़ों को रेलवे स्टेशन के गोदाम में सील बंद संदूक में अच्छी तरह से रखा जाता है। अगर आपका सामान रेलवे में यात्रा के दौरान अगर छूट जाता है तो उसे आप रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के पास जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का टिकट और उसके साथ ही बाकी सारी डिटेल भी बताना होगा, वहाँ पे स्टेशन मास्टर के सामने आपको दिखाना होगा। बता दें कि स्टेशन मास्टर इस दौरान सभी डिटेल्स की वेरीफाई करेगा, जिसके बाद स्टेशन मास्टर को इस बात का विश्वास होना चाहिए जो सामान स्टेशन पर था वह उसी व्यक्ति का है। सामान देने के बाद उस व्यक्ति का पूरा डिटेल रजिस्टर में लिख कर उसके मालिक को सामान लौटा दिया जाएगा। मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति स्टेशन से सामान को स्टेशन मास्टर के पास से लेने जाता है और संपत्ति के असली मालिक होने पर शक होता है तो मामले को डिविजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के पास भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच की जाती है, इसके बाद ही सामान को लौटाया जाता है। रेलवे अधिकारी इस बात की पड़ताल करते हैं कि जो भी सामान है वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास न पहुँच जाए। ऐसे मामलों में जहाँ स्टेशन पर सामान खोने या फिर छूटने के बाद बिना लास्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेजे गए ही पार्सल को सामान वापस कर दिया जाता है। यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसे पैकेज को यात्रियों को बिना कोई शुल्क के लिए ही लौटा दिया जाना चाहिए, या फिर कहें कि रेलवे इस तरह की सुविधा बहाल भी करती है। किसी सामान के खोने या फिर छूट जाने के बाद स्टेशन मास्टर 7 दिन तक इसे अपनी निगरानी में रखता है, जिसके बाद इसे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में भेज दिया जाता है। अब जो पूरा प्रकरण होगा वो इससे लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस में जाने के बाद ही अब जो है आपसे सामान मिल पाएगा। तो ऐसे में अगर आपका सामान खोता है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ट्रेन की यात्रा का टिकट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जाना चाहते थे, कैसे आपका सामान जो है वो छूट गया। उसके साथ साथ सामान का क्या स्थिति, अगर बैग था तो बैग का क्या कलर है, कलर अगर मैच कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर जो सामान है वो जो आप बता रहे हैं वो सही है या नहीं, इन सब चीज़ों की पड़ताल होती है। उसके बाद जो है यह सामान आपको आसानी से मिल जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।